हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में स्पाइसी टेस्टी यमी चिकन बॉल्स बनाने की रेसिपी, जिसे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मस्त, बहुत ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है और बनाने में बहुत ही सिंपल आसान है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलें इसको कैसे बनाना है सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन का कीमा लिया हुआ है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ हसबे ज़रूरत। 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है मैंने। और एक हमें अंडा इसमें डालना है। और इसी के साथ बाइंडिंग के लिए मैं इसमें एक ब्रेड स्लाइस लेकर इसको मैंने क्रम्स कर लिया है। बिल्कुल फ्रेश आप स्लाइस ऑफ ब्रेड लें और उसको क्रम्स कर कर यहाँ पे डाल दीजिए। इसी के साथ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ मैं। और बस इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी और इस तरह से ये बहुत अच्छा बाइंड पकड़ लेगा और ये चिकन का कीमा ईजिली अच्छे से मिलकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह की अच्छे से मिलकर रेडी हो गई है ये। अभी हमें हाथों को थोड़ा ग्रीसी कर लेना है ऑयल लगाकर, या पानी भी लगा सकते हैं। और बस इसको हल्का हल्का छोटा लेमन साइज का पोर्शन लेना है और इसके हमें राउंड बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरह से आपको एक एक कर सारे चिकन बॉल्स प्रिपेयर कर लेने हैं। फ्रेंड्स, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखिएगा, एक मीडियम लेमन साइज़ का रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मैंने इतने बनाकर रख लिया है। चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमें इसको फ्राई करना है, जिसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। और अब मैं एक एक कर चिकन बॉल्स इसमें ड्रॉप कर रही हूँ। तो ये सारे मैंने यहाँ पे एक एक करके डाल दिया है। और जैसे जैसे ये ऑयल में जा रहे हैं, वैसे वैसे सिकना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर अच्छा मीडियम हॉट था। जैसे ही आपने सारे बॉल्स ड्रॉप कर दिए हैं इसमें, आप इसको स्टर नहीं करें, इसको इसी तरह सिकने दीजिए, फ्लेम हाई कर दीजिएगा। और 2-3 मिनट बाद में आप इसको स्टर कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से क्या होता है ना कि चिकन का कलर अच्छा सा सिकते हुए कलर बदलने लगता है। और अब इसको आप इजिली स्टर करेंगे तो ज़रा सा भी चिपकेगा नहीं और इसका शेप अपने आप इवन होता जाएगा और बहुत अच्छे से इसमें फ्राई होता रहेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं, हल्का ये फ्राई होने के बाद में, जब ये फ्राई हो रही है तो इसका थोड़ा साइज़ पफअप हुआ है और ये अच्छे से फुली फुली सी तैयार हो रही है। तो अभी जब तक इसका गोल्डन कलर सा नहीं आ जाता, तब तक हमें लगातार इसको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल सुनहरा गोल्डन बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो बीच बीच में स्टर करते रहें, फ्लेम को आपको मीडियम नहीं करना है, हाई फ्लेम पे लगातार इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। तकरीबन आपको इसको फ्राई करने में 6-7 मिनट लग जाएगा। और ये देखें, बहुत ही अच्छा सुनहरा सा यहाँ पे ये तैयार होकर रेडी हो गया है। जब ये सारे फ्राई हो गए हैं तो मैं इसको इस तरह से प्लेट में निकाल कर रख दे रही हूँ। आप इसको बनाकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जिपलॉक बैग में। नेक्स्ट स्टेप में हमें कढ़ाई लेनी है, जिसमें हमने फ्राई किया था ना बॉल्स का, उसी का मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, चॉप लहसुन डाली है और 2-3 लाल सूखे हुए मिर्च ऐड कर रही हूँ तोड़कर। लहसुन और मिर्चों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। लहसुन का हल्का सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, कलर आ जाएगा, फ्राई हो जाएंगे ये। तो इसमें हमें अदरक भी डालना है। तो 1 टीस्पून मैंने चॉप कर अदरक डाली है और डालकर अब लहसुन अदरक हरी मिर्च को साथ में फ्राई कर ले रही हूँ। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, इसमें हमें एक प्याज डालनी है और प्याज के साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च को मैंने थोड़ा स्लिट भी लगाकर डाला है, थोड़े को चॉप कर डाला है, क्योंकि ये स्पाइसी चिकन बॉल्स हैं तो हीट जो है प्रॉपर मिर्चों से आएगी। और अब इसको अच्छे से प्याज के साथ में फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे फ्लेम हाई कर हमें ये सारे प्रोसेस करने हैं। और प्याज को बहुत ज़्यादा लाइट या डार्क फ्राई नहीं करना है, हल्का सा बस ये पिंक होने लगे इसी टाइम में हमें इसमें बेल पेपर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेल पेपर डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ मैंने डाला है चॉप कर। एक कैरेट डाल रही हूँ, इसको भी मैंने चॉप कर डाला है यहाँ पे। और अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिलाकर मिक्स कर दे रही हूँ। सब्जियाँ यहाँ पे आप जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो डाल सकती हैं, लेकिन ये जो है कॉमन सब्जियाँ हैं, बेल पेपर, कैरेट, यही सब मैं इसमें डाल रही हूँ। 1-2 मिनट तक सब्जियों को मैंने अच्छे से भून लिया है, ये क्रंची हो गए हैं। तो इसमें हमें सॉसेज ऐड करने हैं। तो 3 टेबलस्पून मैं इसमें शेजवान सॉस ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा स्पाइसी मिलेगा, प्लस बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो उसकी जगह पर रेड चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और सॉसेज भी डाल सकते हैं। साथ में मैं इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। टोमेटो केचप मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऐड किया है। इसी के साथ रेड चिली सॉस मैं 1-2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ एज पर टेस्ट। साथ में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून नमक यहाँ पे जाएगा। अब ये जो सारे सॉसेस डाले हैं, इसको सब्जियों के साथ में अच्छे से मिलाकर मिक्स कर दीजिए। और ये देखें, बहुत ही प्यारा सुनहरा सा कलर आ गया है और ये सॉस बहुत ही ज़बरदस्त सा दिख रहा है। नमक वगैरह सब परफेक्ट है, इसी से तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और चिकन बॉल बहुत ही स्पाइसी, टेस्टी, मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। जब ये सॉस में हल्का सा बॉयल आ गया है, तो अभी हमें स्लरी ऐड करनी है। तो 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने पानी में मिक्स कर डाला है। स्लरी डालने के बाद में लगातार हमें इसको स्टर करना है। स्लरी डालने की वजह से ये सॉस थोड़ी थिकन होती है और ये बहुत ही अच्छा ग्लेज आता है। अब जब ये थोड़ा सॉस रेडी हो गया, तो इसमें हमें हमारे सारे फ्राई कर रखे हुए चिकन बॉल्स डाल देने हैं। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा क्रंच के लिए
कैबेज भी ऐड कर रही हूँ, दो हैंडफुल मैंने डाला है इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप चाहे तो स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैंने ये डाला है। डालकर इसको बिल्कुल अच्छे से मिला दे रही हूँ और ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये स्पाइसी चिकन बॉल सब्जियों के साथ में रेडी होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही मज़े का लगता है। एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। अब जब ये अच्छे से मिल गई है तो इसको थोड़ा सा मैं सॉसी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाला है, और इस पानी में इसको 1-2 मिनट तक बॉयल आने दूंगी और अच्छे से कुक कर लूँगी। इसी की वजह से तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा, इसमें सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर है, और सॉस जितने अच्छे से चिकन बॉल्स के अंदर जाएगा उतना जूसी सॉफ्ट मॉइस्ट चिकन बॉल्स रेडी होता है। तो 1-2 मिनट तक एंड में आपको सॉस में अच्छे से कुक कर लेना है चिकन बॉल्स को, जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार लगे। और ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है, देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत है, नमक वगैरह सब परफेक्ट है, बिल्कुल यमी टेस्टी सी हमारी चिकन बॉल्स रेडी हो गई है, बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको फ्राइड राइस या फिर नूडल्स के साथ में सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। तो एक बार आप ज़रूर बनाएं। अगर आप चाइनीज़ प्लेटर बना रहे हैं तो उसके साथ में ये वाला चिकन बॉल्स बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। मैंने और भी बहुत तरह की चाइनीज़ रेसिपीज़ डाली हुई है मेरे चैनल पे, फ्राइड राइस डाली है, मंचूरियन डाली है, कॉम्बो भी डाला है, तो आप एक बार चैनल विजिट करें, वहाँ पे कुछ अच्छा नया ज़रूर मिलेगा आपको। और ये स्पाइसी चिकन बॉल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, इसे भी ट्राई कीजिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर से रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार इसको लाइक कीजिए, ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बेहद अच्छा लगेगा, बहुत जूसी सॉफ्ट मॉइस्ट सा होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम एक नई धमाकेदार ज़बरदस्त रेसिपी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।